press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित हनुमान जी और भैरव जी बाबा के मंदिर में असामाजिक तत्वों ने आग लगाकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। समय रहते पुजारी को मालूम चलने पर पानी से आग को बुझा दिया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान मंदिर के अलावा भैरव मंदिर पर भी वारदात को अंजाम दिया गया। भैरव मंदिर पर भी असामाजिक तत्वों के द्वारा पेड़ और मंदिर पर रखे सामान को आग के हवाले कर दिया। कस्बे वासियों को आग की जानकारी तब मिली जब महिलाएं पूजा करने के लिए भैरव मंदिर पहुंची। हनुमान मंदिर में लगी आग की जानकारी प्रातःकाल भ्रमण पर जाने वाले लोगों ने पुजारी को दी। रात्रि को मुख्य बाजारों में पुलिस की गश्त होने के बाद भी दो मंदिरों में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाया जाना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान बनाता है। मंदिरों में आग लगाकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने वाले युवकों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। ये सब जो मंदिर में आग लगी कब की घटना है? सुबह 4-5 के बीच की। आपको कैसे पता लगा आग लगने का? श्री चंद बर्तन वाड़ा के छोड़ने आवाज दी थी मुझको। घूमने जाता है ना, घूमने जाता है, उसने बताया बाहर गया जी। छत तक लोग जा रही थी, उसने कहा यार ये पट्टी टूट जाएंगे, इसको बुझा दे। मैं बाल्टी लेकर पानी लेकर के उसको बुझा के आया, उसके बाद मैंने दीवार लगा दिए। फिर घूमने जाकर एक बार फिर मैं पुलिस थाने में गया, मेहरबंटी दोनों सूचना दी थी, आई गई और कोई संदिग्ध दिखा यहाँ पे ऐसा? जो कोई नहीं दिखा उस समय, मतलब अभी कोई पता नहीं लगा किसने आग लगाई है? कोई पता नहीं। मंदिर जैसे मूर्ति को क्षति हुई है? मूर्ति को क्षति नहीं हुई है, केवल एक आधा किलो घी का डिब्बा स्टील का और जो है एक टिफिन जिसमें भोग लगा हुआ था वो गायब। और जो सामान, अच्छा जो धार्मिक पुस्तकें थे वो आग लगाई गई है? आधी पुस्तकें कम से कम जल गई, पुस्तकों को आग लगा गए यहाँ पे। उस आग में फटकी है आग, तो पुस्तक तो और भी रखी है, सेफ है वो तो। अच्छा। रामायण भी सेफ है, अगर आग घुसती नहीं ना तो शायद पूरे मंदिर में आग लग जाती। जी जी जी, मतलब जो धार्मिक पुस्तक है हनुमान चालीसा है जो है उनमें आग लगाई गई है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।